बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम 3 को लेकर फैंस सुपर एक्साइटेड हैं। फिल्म में अजय देवगन फिर एक बार ज़बरदस्त एक्शन करते दिखाई पड़ेंगे। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 24 अगस्त 2024 को रिलीज होगी। फिल्म में फिर एक बार अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह एक साथ नजर आएंगे। हालांकि फिल्म के बारे में अभी ज़्यादा डिटेल मेकर्स ने नहीं रिवील की हैं, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर अजय देवगन के एंट्री सीन के बारे में जानकारी आ गई है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें पोस्ट की हैं। पहले फोटो में एक बंकर वैन दीवार तोड़कर गाड़ियों को उड़ाते हुए एंट्री लेती हुए दिखाई पड़ रही है। वहीं दूसरी फोटो में रोहित शेट्टी इस वैन को हाथ दिखाकर रोक रहे हैं। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, कार्य प्रगति पर है सिंघम अगेन रोहित शेट्टी। एक यूज़र ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, सिंघम अगेन में अजय देवगन का एंट्री सीन। वहीं कई यूज़र ने इस पर कमेंट्स किया कि ये फिल्म के क्लाइमैक्स का सीन है। बता दें कि अजय देवगन स्टारर इस फिल्म से रोहित शेट्टी को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म सर्कस बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडिस और जॉनी लीवर समेत बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट रखी गई। साथ ही फिल्म का बजट भी काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि बावजूद इस मेगा बजट और लंबी चौड़ी स्टार कास्ट के फिल्म कमाई के मामले में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई।